अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूं शबीना खान और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं छोले की रेसिपी। इसको चना मसाला भी बोलते हैं। इसको हम बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से और बिना किसी झंझट के, लेकिन इसका टेस्ट होगा बिल्कुल ट्रेडिशनल छोलों की तरह। तो देखने में आपको दिख ही रहे होंगे कि ये कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। और इन छोलों को आप रोटी, चावल, भटूरे, पूरी किसी के साथ भी सर्व करेंगे या खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने का है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया है। इन छोलों को बनाएंगे तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन इसका टेस्ट होगा बिल्कुल ट्रेडिशनल हलवाइयों जैसा। तो आपको भी हलवाई के छोले बहुत पसंद होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हलवाई वाले छोले। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी रेसिपी हो उसको बहुत आसानी से, बहुत झटपट और घर में रखे हुए चीज़ों के साथ कैसे बना के तैयार करें, जो मज़े की भी हो और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो कैसे इतने आसान और मज़ेदार छोले बना के तैयार किए हैं तो वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपने छोले की रेसिपी और देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो इन छोलों को बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर। कुकर में ऐड कर दिया है थोड़ा सा सरसों का ऑयल और उसमें डाले हैं कुछ गरम मसाले, जिसमें दो लौंग, दो इलायची, दालचीनी के टुकड़े, दो तेज़पत्ते हैं, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, दो बड़ी इलायची हैं। तो ये तेल में ऐड करते ही उसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। जब इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है। और इस पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ज़ीरे और ऑयल के साथ फ्राई कर लिया है। और जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, वरना ये मसाले जो हमने ऐड किए हैं खड़े गरम मसाले, ये जल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल मीडियम रखना है। जब ये बिल्कुल इस तरह से फ्राई हो जाए ऑयल के साथ अदरक लहसुन अच्छी तरह, तब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 2 से 3 हरी मिर्च हैं। उसको एक ही में डाल के मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया है और अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ और बिना किसी झंझट के, और इसको 1 पॉट में ही तैयार करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले ले लिए हैं, उसमें है हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये तीनों 1-1 चम्मच है। और उसके बाद सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया है। सारे मसालों को कुकर में ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा कितना मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छोले। छोले हमारे पास जो हैं वो करीब 250 से 300 ग्राम हैं, और उसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह सोक करने के बाद ही हम छोले इसमें ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल भी बॉयल नहीं किए गए हैं, ये बिल्कुल कच्चे छोले हैं। तो मैंने बताया था ना कि आपको बिल्कुल आसानी से बताऊँगी, तो इसको 1 पॉट में ही बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाए गए छोले बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीब 1 पिंच, आप चुटकी भर कह सकते हैं, मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो आता है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये आपके छोलों को गलाने में बहुत ही अच्छी मदद करते हैं। तो इसमें टाइम लगता है छोलों को गलने में, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर देंगे तो बहुत ही जल्दी से छोले आपके गल के तैयार हो जाएंगे। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा, लेकिन थोड़ा पानी इसमें अभी और जाएगा ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए और इसी में छोले हमारे गल के बिल्कुल रेडी हो जाएं। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने इसकी लीड लगा दी है और करीब 4 से 5 विसल आने का वेट किया है। जब ये विसल पूरी तरह से आ चुकी हैं तब मैंने इसको चेक किया है। तो यहाँ पर 4 से 5 विसल आ गई थी, उसके बाद मैंने जब इसको चेक किया है तो ये मुझे थोड़े से टाइट लगे। तो इतने जितने मुझे चाहिए थे उतने नहीं थे, हल्के तो ये गल गए थे लेकिन उतने ज़्यादा ये पूरी तरह से गले नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर इसी वक्त पे इसमें एक आलू भी ऐड कर दिया है, क्योंकि छोलों में आलू का टेस्ट जो आता है वो बहुत ही मज़े का आता है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें करीब ड्राई मैंगो पाउडर और थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इसी वक्त पे ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, आलू ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको हम लगा देंगे विसल। विसल लगाने के बाद 2-3 विसल आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको फिर से चेक कर।
दोबारा से चेक करने पर मैंने इसमें देखा कि पूरी तरह से आलू और छोले वगैरह सब गल गए हैं और मैंने इसको आलू को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये आलू बिल्कुल साबुत ऐसे ही ऐड किया था तो इसको तोड़ते हुए इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हमारे छोले लगभग अब हो गए हैं रेडी। तो है ना, बहुत ही आसान और मज़ेदार छोले बनके तैयार हो गए हैं। अब इसका हमें एक तड़का तैयार करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको एक दूसरे बर्तन में सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो यहीं पर ही इसमें तड़के को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया है खूबसूरत सा बॉल, उसमें ऐड कर दिए अपने छोले। छोले यहाँ पर जितने भी थे मैंने सारे इसी पॉट में ऐड कर दिए हैं। और पास ही आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ले रखी है कुछ सलाद। सलाद में है नींबू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले। बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग इसको सलाद के साथ, छोलों को। तो चलिए फिर मैं इसका एक तड़का दिखा देती हूँ उसमें क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने जब छोले बनाए थे उसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया था, बाकी का ऑयल हमें यहाँ तड़के पर यूज़ करना था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर, और उसके बाद इसमें ऐड किया है अपनी अदरक। अदरक आप थोड़ी सी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम डाली और 3 से 4 हरी मिर्च। उसके बाद मैंने यहाँ पर ही थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ है, उसमें इसी में ऐड कर दिया है। तो बस हमारा तड़का भी हो गया है रेडी। अब मैंने जो पॉट में निकाले थे छोले उसमें इसको ऐड कर दूंगी और देखिए बन के रेडी हो गए हमारे मज़ेदार छोले बिना किसी झंझट के, बहुत ही आसानी से। ना ही इसको उबाला गया है और ना ही इसको अलग तरीके से टाइम लगाया गया है, और इसका टेस्ट तो बिल्कुल ट्रेडिशनल हलवाइयों के जैसा ही आएगा। जब आप बनाएंगे तब आप समझेंगे। तो अगर आपको हमारा छोले बनाने का ये तरीका पसंद आ गया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें और बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर